बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द बीए सीरीज़, और हम इसमें सेकंड पॉइंट जो है वो डील करना चाह रहे हैं, विच इज़ नेम्ड एज टार्टरी। तो टार्टरी इज़ रिटन बाय वाल्टर डी ला मैरी, और दिस इज़ एन इमेजिनेटिव पोएम। इसमें पॉइंट जो है वो सारी की सारी एक इमेजिनेटिव लैंड के गिर्द रिवॉल्व करती है, एंड द पोएम पोइट वांट्स टू बिकम द सोल लैंडलॉर्ड और सोल किंग ऑफ दैट लैंड, इमेजिनेटिव लैंड। इसमें यही वो सारी पोएम में बताएगा, और अपने लैंड की जो उसने इमेजिनेटिव लैंड सोची हुई है उसको गौर करेगा, उसकी खसूसियात बताएगा, एंड दिस पोएम इज़ ऑल अबाउट दैट इमेजिनेटिव लैंड। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट। इन फर्स्ट स्टैंजा, इफ ही बिकम्स द किंग ऑफ टार्टरी, यहीं से वो बात शुरू करता है कि अगर मैं टार्टरी का बादशाह बनूँ तो He would sleep on the bed made of ivory. Ivory means teeth of the elephant, यानी हाथी के दांत के बने हुए बेड पे वो सोएगा। अब इसमें उसने अपनी सारी ख्वाहिशात ही बतानी है ज़्यादातर। He would sitting on his throne that would be made of pure gold. वो जो उसका तख्त होगा वो प्योर गोल्ड का बना होगा। तो he would also build a beautiful palace, और वो एक खूबसूरत जो है वो महल बनाएगा। और द पीकॉक्स ऑफ डिफरेंट कलर वुड इंक्रीज इट्स डेकोरेशन, और वो उसमें जो है उसके महल में पीकॉक यानी जो मोर हैं मुख्तलिफ कलर्स के वो नाच रहे होंगे या उससे उसकी डेकोरेशन की गई होगी। द पूल्स ऑफ हिज पैलेस वुड बी टीम्ड विद ब्यूटीफुल फिशेस दैट वुड स्विम इन द वाटर एंड क्रिएट डिफरेंट कलर्स इन द सनलाइट। वो कहता है कि मैं जो अपने महल में पूल बनाऊंगा यानी स्विमिंग पूल जिसको हम आम जुबान में जानते हैं, तो उसमें मुख्तलिफ कलर की फिशेस डालूंगा जिससे जो है वो सनलाइट आएगी तो उसके ऊपर डिफरेंट कलर्स की रोशनियां बनेंगी। मैंने जैसे कि आपको बताया कि ये पोएम ही सारी की सारी जो है इमेजिनेटिव है, तो इसमें वो मुख्तलिफ अपने ख्वाब जो है वो डिस्कस कर रहा है। और फर्स्ट स्टैंजा में वो अपने जो पैलेस और अपने तख्त और इस तरह की चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहा है। इन द सेकेंड स्टैंजा वो कहता है कि अगर मैं उसका बादशाह होता तो अपने जो खाने के लिए जब उसे बुलाया जाता तो बहुत सारे ट्रम्पर्ट्स और बहुत सारे डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाए जाते जिससे उसको जो है वो खाने की दावत दी जाती। ही वुड बी कॉल्ड फॉर एवरी मील बाय हिज सर्वेंट, यानी वो सर्वेंट जो है वो उसको बुलाते। सर्वेंट वुड ब्लो डिफरेंट टाइप ऑफ बगल्स यानी डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ म्यूजिक्स वो बजाते और उसको उसके लिए दावत देते। इन द इवनिंग हिज पैलेस वुड बी एंटाइटल्ड विद डिफरेंट कलरफुल लाइट्स। अब यहाँ पे वो कहता है कि इन द इवनिंग हिज पैलेस वुड बी इनलाइटेड, यानी उसको उजागर किया जाता, रोशन किया जाता विद डिफरेंट कलरफुल लाइट्स, मुख्तलिफ कलरफुल लाइट्स के साथ। द कलर ऑफ लाइट वुड एज येलो एज कलर ऑफ हनी। अब इसमें वो जो है वो पर्सोनिफाइड कर रहा है या इमेजिनेटिव को अपने ख्याल को एक्सप्लेन करने के लिए मुख्तलिफ चीज़ों को यूज़ कर रहा है कि येलो इतना येलो होता कि जिस तरह से हनी है, एंड रेड एज कलर ऑफ वाइन, और इतना रेड जैसे कि कलर ऑफ वाइन होता है। तो इस तरह से वो अपने इमेजिनेटिव जो ख्याल हैं उसको एक्सप्लेन कर रहा है। मैनी टाइप्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वुड आल्सो बी प्लेड इन हिज पैलेस, उसके पैलेस में जो है मुख्तलिफ कलर के मुख्तलिफ तरह के इंस्ट्रूमेंट भी प्ले किए जाते उसकी इंटरटेनमेंट के लिए। जिस तरह से पुराने ज़माने में आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ तरह से बादशाहों को खुश करने के लिए वो जो है वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स प्ले किए जाते थे। द पोएट वुड फील रिलीफ बाय लिसनिंग टू दिस म्यूजिक, आपको इस तरह का म्यूजिक सुन के जो है वो उसको सुकून आता। ये था हमारे सेकंड स्टैंजा के मेन पॉइंट्स। इन द थर्ड स्टैंजा, इफ ही बिकम्स द किंग ऑफ टार्टरी वुड वियर अ रॉयल ड्रेस, वो बड़ा खूबसूरत और शाहाना किस्म का लिबास पहनता। हिज ड्रेस वुड बी स्टडीड विद डिफरेंट कलर्स ऑफ डायमंड, स्टडी कहते हैं जड़ना यानी उसके ऊपर लगे होते हैं, जैसे स्टड नहीं यूज़ करते उसे स्टडेड है। तो उसके जो हमारे पास ड्रेस होता है उसके ऊपर डिफरेंट किस्म के डायमंड्स जवाहरात जड़े होते हीरे जवाहरात। द पर्ल्स वुड बी स्टडेड एज देयर एज सीड्स इन द फील्ड, इस तरह से जो है वो पर्ल्स यानी हीरे जवाहरात जड़े होते जैसे कि फील्ड में बीज बोए जाते हैं। He would wear his dress before the rising of sun, वो सूरज चढ़ने से पहले अपना वो लिबास पहन लेता। After wearing the royal dress, he would visit the green fields of Tartary, where he
yielding and very green fields. इसमें उसके जो explain किया गया है कि काफ़ी अच्छे और बड़े ही yield देने वाले, यानी काफ़ी ज़्यादा पैदावार देने वाले जो उसके fields थे टाटरी के, यानी बड़ी अच्छी land होती है, उसको वो जो है वो अपने land को visit करता. He would sit in a carriage with a small scimitar and carriage would be pulled by 7 zebras. और ये जो उसकी पालकी बोलते हैं उसको, हाँ वो जो है वो 7 zebras से खींची जाती है, यानी उसकी जो सवारी होती है उसको वो 7 zebras खींच रहे होते. In the fourth stanza the poet says that के different तरह के object उसमें होते हैं आपके टाटरी के land में. He would be the sole ruler of all fruits. वो अपने अब चीज़ों को explain कर रहा है, उस land में जो जो भी हैं वो सब का बादशाह होता, यानी उसमें जो fruits हैं, उसमें जो rivers हैं, उसमें जो hills हैं, उसमें जो villages हैं, वो सब का बादशाह है. He would be the ruler of stars, lakes with rising and falling water, sweet smelling and oceans, जो मीठे पानी के समुंदर हैं उनका. He would be the ruler of all the purple valleys in which there will be the citron trees pleasing the birds. तो इसमें जो है वो सारा वो explain कर रहा है कि ये सारी चीज़ों का वो केला भाषा होता है. तो ये हो गया हमारा चार stanza जिसको explanation में use कर सकते हैं. उसी तरह जिस तरह पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया कि लास्ट पे आपने कंक्लूडिंग पैराग्राफ लिखना है, जिसमें आपने एग्जामिनर ने जो पूछा है उसके लिहाज से उसको कुछ से थोड़ा सा मॉडिफाई करना है. इसमें ज़्यादातर इमेजिनेटिव ही आता है, तो इसमें इमेजिनेटिव दो तीन चीज़ें यहाँ पे आप हाईलाइट कर सकते हैं कि आइवरी का बना हुआ, यानी हाथी दांत का बना हुआ तख्त उसका होता है, उसका ड्रेस जो है वो बड़ा ही डायमंड से जड़ा होता है, और उसका जो लैंड है वो बड़ा ही जील्डिंग होता है, ग्रीनरी होती है उसमें. इस तरह से सारा आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं. तो ये सारी जो चीज़ें हैं ज़्यादातर इमेजिनेटिव हैं. फिशेस का है, टाइगर्स रॉर का होता है वर्सेस में, तो इस तरह से ये सारा जो है वो आप इसको कंक्लूड कर सकते हैं. वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अगर आपको अच्छी लगी है. थैंक यू वेरी मच सुनने के लिए. उम्मीद है आप हमारी वीडियोस को देखते रहेंगे. थैंक यू वेरी मच.